हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर क्लास फोर, दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ 13 चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, लुक एंड रीड द वर्ड इन ब्लू और एडजेक्टिव, दे टेल अस मोर अबाउट द नाउन्स एंड प्रोनाउन इन द सेंटेंस। जो आपके ब्लू कलर में है वो आपके एडजेक्टिव है, वो क्या बताते हैं, नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में बताते हैं। देखिए, टॉलेस्ट टॉलर, शॉर्टर शॉर्ट टॉल, शॉर्टर वेस्ट, ये सभी आपके क्या है, एडजेक्टिव हैं। अब आप देखिए एडजेक्टिव्स, टेल अस सम अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउन, ये हमें किसके बारे में बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। दे आल्सो हेल्प अस कंपेयर द सम क्वालिटी क्वालिटी इन टू और मोर नाउन, ये हमें किसके बारे में कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, दो लोगों के बीच क्वालिटी और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में क्वालिटी के में जब हम लोग वो करते हैं कंपेयर, तो ये हमारी हेल्प करते हैं। ओके, फर्स्ट देखिए, वाइल कंपेयरिंग नाउन टू शो द वन ऑफ देम हैज़ मोर ऑफ सम क्वालिटी देन द अदर, वी एड ईआर टू एडजेक्टिव, दिस इज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एन एडजेक्टिव। कंपैरेटिव फॉर्म एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म है जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं। ओके, कंपेयरिंग मोर देन टू नाउन्स टू शो दैट वन ऑफ देम हैज़ मोर ऑफ द सम क्वालिटी देन ऑल द अदर्स, वी एड ईएस, और ये कौन सी है, ये एडजेक्टिव की कौन सी क्वालिटी है, सुपरलेटिव। इसमें यही तो पूछा था, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन की कौन सी डिग्री होती है, तो आपकी सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में हम दो लोगों के, दो से ज़्यादा लोगों के बीच कंपेयर करते हैं, जैसे पूरी क्लास के बीच कंपेयर करते हैं, पूरी सोसाइटी के बीच उसमें, और कंपैरेटिव में हम दो लोगों के बीच कंपेयर करते हैं। ओके, ये तो आपको अपने पॉइंट में करके, ये आपके पॉइंट्स में आ जाएंगे, फेयर नोटबुक पर टर्न योर पेज। देखिए, फॉर मोस्ट एडजेक्टिव बी सिंपली एड ईआर ईएसटी सो कंपैरिजन, ये आपको, इनको आपको अच्छे से देखना है। इसमें आपका जब वाई का एंड हो जाता है तो हम आईईआर और आईईएसटी लगा देते हैं, जैसे एक कंपैरेटिव में, एक सुपरलेटिव में, ठीक है। इसमें भी जब ई का एंड हो जाता है, ई जिसके लास्ट में ई आती है, तो हम उसमें आर, ओनली आर और एसटी लगाते हैं। ओके, ये रूल्स आपको, सभी आप रूल्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है। देन आपको क्या करना है, देखिए, लेकिन ब्यूटीफुल का देखिए बेटा क्या होता है, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये आपका कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव। डेंजरस का मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। एक्सपेंसिव का लेस एक्सपेंसिव और लीस्ट एक्सपेंसिव। ओके, देन आपको क्या करना है, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये होमवर्क में अपनी वर्कशीट करनी है। ओके, देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एग्जेक्टिव इन द ब्रैकेट्स, जो आपकी एग्जेक्टिव ये फॉर्म दे रखी है ना ब्रैकेट्स में एग्जेक्टिव, इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस पढ़ना, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उसकी करेक्ट फॉर्म यहाँ पे फिल करनी है, या तो आपको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म आपको फिल करनी है। ओके, टिक द राइट फॉर्म ऑफ द एग्जेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको बेटा क्या करना है कि जो करेक्ट फॉर्म है उस पर आपको टिक करना है। ओके, जैसे कि दैट इज़ द नॉटी नॉटियर नॉटेस्ट पपी ऑफ द लिटर, तो इसमें आपको क्या करना है, क्यों नॉटियर ही तो आएगा, क्या आएगा, नॉटियर। ओके, टर्न योर पेज, पेज नंबर 54 पे आपको क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्क, जो आपके बॉक्स में वर्ड दे रखे हैं ये आपको फिल करने। राइट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, इनकी आपको क्या लिखनी है, इन एडजेक्टिव्स की आपको कंपैरेटिव फॉर्म लिखनी है। ओके, राइट द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स, और इन एडजेक्टिव्स की आपको क्या लिखनी है, सुपरलेटिव फॉर्म लिखनी है। ओके, ये आपका लेक्चर फर्स्ट डे पे कंप्लीट होता है, और जो हमने आपको होमवर्क दिया आप अपना होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी इमेज मिल जाएगी। थैंक यू क्लास।